नमस्कार दोस्तों, ये जडा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का ये जडा न्यूज चैनल में। आईपीएल 2021 के पार्ट टू का ऐलान हो चुका है और कल बड़ा मुकाबला खेला गया था मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये मुकाबले की बात करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आप सभी को बता दूं कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है फैसला? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। इसी हफ्ते रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने इंडियन टीम की 2020 वर्ल्ड कप के बाद 2020 की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया और अब आईपीएल 2021 के बाद वो आईपीएल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान नहीं रहेंगे, पर उन्होंने कहा है कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के एज प्लेयर वो खेलेंगे, वो प्लेयर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो पहले से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर साथ जुड़े थे। वो कोई भी आईपीएल की दूसरी फ्रेंचाइजी में अब तक रॉयल नहीं खेला है और आज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का मुकाबला है और वो 200वां मुकाबला खेलेंगे। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान की बात करूँ तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान ने अब तक 132 मुकाबला कैप्टनशिप की है, जिसमें 62 मुकाबला जीते हैं, 66 मुकाबला वो जीत नहीं पाए है और 4 मुकाबला ड्रॉ रहे हैं। 2016 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर फाइनल में पहुंची थी उनकी कप्तानी में, जिसमें उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीता था, 900 से ज्यादा रन भी स्कोर किए थे वो सीजन में, और फाइनल में सनराइज हैदराबाद के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2020 में भी प्लेऑफ्स में आए थे, 2019 में भी, 2019 में काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, 2020 के प्लेऑफ्स में आए थे। 2021 की बात करूँ तो अभी तीसरे स्थान पे है और आज मुकाबला उनका कोलकाता नाइट राइडर के सामने है। तो ये तो थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की बात, और अब करते कल के मुकाबले की बात। तो कल के मुकाबला बहुत कांटे का मुकाबला था मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान ने टॉस जीता और काम हम बल्लेबाजी करेंगे, और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने स्टार्ट दिया, 4 विकेट बहुत जल्दी खोए थे और लग रहा था कि 80-90 रन पे चेन्नई सुपर किंग्स आउट हो जाएगी, पर चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डीजे ब्रावो ने काफी अच्छी बैटिंग की। ऋतुराज गायकवाड़ ने 80 से भी ज्यादा रन स्कोर किए और चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 156 रन स्कोर की 6 विकेट के नुकसान पे। फिर मुंबई इंडियंस की बात करूँ तो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, मुंबई इंडियंस की कप्तानी करण पोलार्ड कर रहे थे। कुछ चोट की वजह से रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या नहीं थे, पर ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड मैच में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या फिर से खेलेंगे। तो मुंबई इंडियंस की बात करूँ तो मुंबई इंडियंस सिर्फ 136 रन स्कोर कर पाई 20 ओवर में, 8 विकेट भी गवाया, और सौरभ तिवारी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। पर सौरभ तिवारी के अलावा करण पोलार्ड की बात करूँ, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, इन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। ये मैच का मैन ऑफ द मैच ऋतुराज गायकवाड़ को मिला उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से। इसके अलावा डीजे ब्रावो ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की, बॉलिंग भी काफी अच्छी की, और उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की, धीमी बल्लेबाजी की बट काफी अच्छी बल्लेबाजी की। तो आज के मुकाबले की बात करूँ तो आज के मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर वर्सेज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में खेला जाएगा। जब फर्स्ट हाफ हुआ तो दोनों का मुकाबला ही होने वाला था, पर आईपीएल तब बंद कर दिया कोविड-19 की वजह से, और अब फिर ये दोनों टीम आमने सामने खेलेगी। आईपीएल 2021 की बात करें तो ये दूसरी बार होगा कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता था और आज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खेमे से काफी बदलाव आपको नजर आएंगे, हसूरंगा खेल सकते हैं। आज कोलकाता नाइट राइडर की बात करूँ तो कोलकाता नाइट राइडर में आपको पैट कमिंस नहीं नजर आएंगे, पैट कमिंस के अलावा टीम साउदी आ चुके हैं, तो टीम साउदी आज ये मुकाबला खेल सकते हैं। क्या होगा आज के मुकाबले की अपडेट मैं फिर से लेके आऊंगा आपके सामने, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए ये जड़ा न्यूज से। मैं विशाल मुकेश अंबानी।